फिर से एक नई सुबह हमारे ये पुराने वाले घर में। एंड गाइस, आज मेरा सुबह सुबह ना दूध पीने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं गायों को दूध निकालूंगा। अरे छी यार, मेरा गोबर में पैर पड़ गया यार। ये गाय और ये बकरियां ये सब कितना गोबर करती हैं। छी छी यार, पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। अरे बाबूजी, क्या हुआ, दूध पीना है क्या आपको? अरे लाले जा, लाले जा। मेरा सुबह बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं करता यार, लेकिन नहाना पड़ेगा। पैर में बहुत ही गंदी तरीके से गोबर लग चुका है। लगता है गाइस शायद मेरे पैर से गोबर निकल चुका है, अपने को बाहर आ जाना चाहिए। भाई मैक्स, तू इतनी सोच में यहाँ पर क्या कर रहा है? खैरी खैरी, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, और खास करके इस पैब्लो की। यार मैक्स, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ये तू किस बंदे को पकड़ के लेके आ गया भाई? ये बंदर नहीं, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है पैब्लो। ये कोलंबिया से है। इसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है, और इसके सारे घर पुलिस वालों ने जब्त कर लिए। लेकिन मुझे एक बात बता, इस बंदे के पीछे इतनी सारी पुलिस क्यों पड़ी हुई है? ये कोई क्रिमिनल वगैरह है क्या? हाँ कैरी, ये कोलंबिया का बहुत बड़ा माफिया है। ये ड्रग्स डीलिंग करता है, ये बंदा सस्ते नशे का धंधा करता है, और साथ में बहुत ज्यादा पैसा भी है इसके पास। तो मैं कुछ भी करके इसके मदद करने पड़ेगी। बट मैक्स, मैं कैसी हेल्प कर सकता हूँ यार? मेरे पास तुम्हारे लिए मस्त ऑफर है। तुम्हें इस बंदे को एक बंकर बना के देना पड़ेगा, जिसकी मदद से उन मिलिट्री वालों से बच सकता है। प्लीज इसको एक बंकर बना के दे दो, ये तुम्हें माला माल कर देगा। और मुझे मालूम है कि तुम्हें बंकर बनाने का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। यार गाइस, ये तो हमको बहुत ही मस्त ऑफर दे रहा है, क्या करें? हाँ बोल दें क्या? यार बोल ही देते हैं, बहुत सारा पैसा मिलेगा। ठीक है मैक्स, मैं बंकर बना दूंगा, लेकिन बंकर बनाने का एक्सपीरियंस मुझे नहीं, बागों को है। वो बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, उसने अपने गांव में ना बहुत बड़े बड़े बंकर बनाए तूफान से बचने के लिए, तो वो बना देगा। ओए बागा, फटफट इधर आ। देख बागा, अपने को ना ये पैब्लो भाई के लिए ना एक मस्त बंकर बनाना है, ठीक है? ये अपने को ना माला माल कर देंगे। और एक काम कर, जेठे को भी ले ले मजदूरी के लिए, बंकर बनाने में अपनी मदद कर देगा वो, ठीक है? तो ठीक है, फिर जा निकल यहाँ से। ठीक है मैक्स भाव, टेंशन मत लो, बागा ना ऐसा मस्त बंकर बना के देगा ना कि कोई भी उसको तोड़ नहीं पाएगा। आने दो मिलिट्री वालों को, ठीक है? ठीक है कैरी, लेकिन याद रखना, ऐसा बंकर बनाना कि एक एस्ट्रॉइड भी गिरेगा तो भी वो बंकर फूटे ना। कि सुनने में आया कि ब्लैक कमांडो इसके पीछे पड़े। अरे टेंशन मत लो मैक्स भाव, बोला ना, आप मस्त जाओ बिंदा जाके सो, और पैब्लो भाई पैसा तैयार रखना, क्योंकि आपको हम बचा लेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? आपका वैसे ही सोने का चश्मा बहुत मस्त है यार, ये भी आपसे लेंगे हम, ठीक है? ओके माय फ्रेंड, प्लीज हेल्प, आई विल मेक रिच यू। ओके तो गाइस, हमने फुल टू तैयारी कर ली है बंकर बनाने की। ये देखो बाघ ने यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप कर दिया है, ये बहुत ही महंगा सेटअप बनाया हमने इधर, और वो पैब्लो एस्कोबार ने भी हमको बहुत सारा पैसा दिया, तो ये सारा का सारा पैसा मुझे ना बंकर में लगाना है। तो ठीक है, फटफट बंकर बनाते हैं। बागा सब कुछ तैयारी हो गई ना? और ये क्या, ये मैप है क्या बंकर का? ब्लूप्रिंट है क्या? क्या बंकर ऐसा बनने वाला अपना? ओके तो देखो गाइस, ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से ना ऐसा लग रहा है कि पहले ना यहाँ पर छोटा सा अपन ऊपर ना ऐसा कुछ बनाएंगे, देन उसके बाद नीचे ना पूरा का पूरा अपना बंकर बनेगा। बाका तो एक बात समझ ले, अपने को ना किचन वगैरह, ड्रॉइंग हॉल वगैरह सब कुछ चाहिए, सारी की सारी फैसिलिटीज अपने को चाहिए बंकर में, क्योंकि वो पैब्लो एस्कोबार ना कम से कम एक दो साल रहेगा यहाँ पर बंकर के अंदर, ठीक है? तो एकदम तगड़ा बेस बनाना अपने को, और बाहर से भी ना बहुत ही स्ट्रांग बनाना, क्योंकि बाय चांस कभी मिलिट्री वालों ने उस पर हमला कर दिया ना, तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? और एक सेकेंड, ये सब क्या तू वर्कर लाया यहाँ पर? बंकर खोदेंगे ये भी क्या अपने साथ? चलो बढ़िया है, और कुछ भी पैसे की जरूरत पड़े ना मुझे बताना, मेरे पास बहुत पैसा है। वो पैब्लो एस्कोबार ने बहुत पैसा दिया अपने को बंकर बनाने के लिए, और कभी अपन ने उसके लिए बहुत मस्त बंकर बनाया ना, तो अपने को माला माल कर देगा। तो वहां अपन काम चालू करें। लेकिन एक सेकंड, ये जेठा किधर है? साला निकम पता नहीं कहां पर टाइम पास कर रहा है यार, पता नहीं ऐसे इंपॉर्टेंट कामों में पता नहीं कहां चले जाता है साला। यार छोड़ो उसको, तो बागा तू ये बता कि अपना पहला स्टेप क्या है? TNTC के पहले उनको गड्ढा खोदना है क्या? तो ठीक है फिर, फटफट TNT लगा देते अपन। अरे कहाँ जा रहा है ये बुड़बक, चल जा जल्दी जल्दी TNT प्लेस करते हैं। ला थोड़े TNT मुझे भी दे। ए बाघा बस बस रुक जा भाई, पूरा वर्ल्ड फोड़ेगा क्या तू? अरे भाई इतना सारा TNT लगा दिया इसने यहाँ पर, पागल हो गया क्या? इसमें कुछ कम तो नहीं करना अपने को? यार गाइस ये तो मरवाएगा, मैं तो भाग रहा हूँ दूर। भाई तू ही फोड़ना, क्या कर रहा है ये बंदा, पागल हो चुका है लगता है बंकर के नाम पे। ओ भाई पागल, उस पर खड़ो के मत फोड़, वो फोड़ दिया शीट। अरे अरे बच गया बच गया बच गया बच गया, तू तो बहुत एक्सपर्ट है यार बंकर बनाने में। भागा तूने की डिग्री वगैरह ली है क्या? 80,000 की डिग्री, भाई साहब लगता है नट्टू काका ने बहुत खर्चा करा इसकी पढ़ाई पे। सही है। ओके तो गाइस अपना पहला स्टेप हो चुका है, यहाँ पर एक बहुत मस्त बड़ा सारा गड्ढा खुद चुका है, अब अपने को एग्जीक्यूट करना है सेकंड स्टेप। तो भागा उसके लिए क्या करना है? ओके तो गाइस अब अपने को यहाँ पर खुदाई करनी है, तो यहाँ पर अपने को अभी ढेर सारे वर्कर लगेंगे, तो फटफट उनको बुला लेते हैं। यार शिट, ये जेठा किधर रह गया यार, लगता है उसका काम ही अब मुझे ही करना पड़ेगा। यार सही में उसको एक भी पैसा नहीं दूंगा, जो भी मेरे को पैब्लो एस्कोबार देगा ना। रुक जाओ उसको आन दो, उसकी 12 बजा दूंगा मैं। ढंग से खोद दो रे, जल्दी हाथ बढ़ाओ जल्दी जल्दी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है जल्दी। चलो फटफट तू भी खोद भाई, यहाँ से जल्दी से खोद, पूरा का पूरा डर्ट ब्लॉक खत्म हो जाना चाहिए। और तू यहाँ पर क्या डांस कर रहा है, उधर जा उधर काम कर। सही में क्या मट्ठे मजदूर है, बिल्कुल बाघा की तरह काम ही नहीं कर रहे। फिर उसके बाद गाइस बाघा और उसके वर्कर
ब्रदर्स ने मिलके एंड साथ में मैंने भी बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदा, इतना बड़ा कि कभी आपने भी देखा नहीं होगा। हमने बंकर में काफी सारे कमरे बनाए क्योंकि हमको लिटरली पूरा का पूरा एक घर बनाना था बंकर के अंदर, ताकि पैबलो इसके ऊपर आराम से रह सके। अबे ओ बागा, उधर का सब पार्ट खोद दिया ना। चलो फिर अब अपन एग्जीक्यूट करते हैं अपना तीसरा पार्ट, ठीक है? फिर बागा फटफट काम कर लेते हैं। अरे अरे क्या कर रहा है यार, ये तो मेरे को मारने भी तुला हुआ है, भाग यहां से। तो गाइस अभी का सीन ये है कि हमारा बंकर ना पूरा लगभग रेडी हो चुका है। आप देख ही सकते हो हमने यहाँ पर कैमरा वगैरह सब कुछ लगा दिया है, और साथ में ही यहाँ पर देखो बागा ने कितने सारे कमरे निकाल दिए भाई साहब। समझ लो कि ड्राइंग हॉल, किचन, बेडरूम वगैरह सब कुछ अपना इधर ही है। और इसके भी आगे ना वहाँ पर भी अभी बहुत बड़ा बंकर हमने बनाया है, लेकिन वो हम जब दिखाएंगे, जब पैब्लो एस्कोबार आएगा ना तभी दिखाएंगे। क्या बोलता बागा? अरे कहाँ चले गए बागा यार? अरे यार ये बागा के वर्कर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं यार? छी, अच्छा बागा शायद यहाँ पर फर्नीचर लगा रहा है। ओके बागा फैंटास्टिक काम कर रहा है तो। लेकिन एक सेकेंड, ए बागा तेरी टोपी कहाँ चले गई? अच्छा इसको दे दी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो मैं भी थोड़ी तुम्हारी मदद करवा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि पैब्लो एस्कोबार आने वाला है कभी भी। फटफट काम करो यार, बाकी वर्कर्स पता नहीं कहाँ चले गए। तेमी बागो तो ऐसे मट्ठे वर्कर्स लाया ना, मैं क्या बताऊँ। और बागा एक काम कर, यहाँ पर ना पंखा लगा दे यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। वो पैब्लो ना बहुत अमीर आदमी है, उसको गर्मी सहन नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो फिर अपना हो गया यहाँ का, बाकी रूम में भी तुम ऐसी फर्नीचर लगा दो, बहुत सही रहेगा। और एक बात बता, तूने खाने का बंदोबस्त कर दिया ना? चलो बढ़िया, लेकिन मेरा एक सजेशन है, तू एक काम कर, थोड़ी सी और भेड़ बकरियां और मुर्गियां लेके आ जा, क्योंकि खाने की कमी हो सकती है, अपने को भी यहीं रहना है, ठीक है? क्या बात है बागा, फैंटास्टिक, अच्छा करा तूने ये सब भी लेके आ गया तू। अबे काम कर, इसको देते अपने वर्कर को, ये सारी की सारी भेड़ बकरियां ना उधर रख के आ जाएगा। अरे तू बहुत सारी लेके आ गया भाई यहाँ पर, बाप रे, ओ शिट, बच्चे भी लेके आ गया। वो पैबलो एस्कोबार को मजा आ जाएगा सब कुछ खाने में। यार बागा ये देख, यहाँ पर भी कुछ डुक्कर रह गए, इनको भी तेरे को भेजना था यार, फटफट इनको भी उधर पहुँचा दे, ठीक है? चलो ठीक है गाइस, अपना तो काम हो गया, पूरा का पूरा अपने बंकर तैयार कर दिया है। अब बस सबको पैबलो को दिखाना है, तो पैबलो आ जाए तो फटफट उसको दिखा देंगे। यार ये बाघा ने कहाँ का मतलब टुकर उकर खड़े कर दिए भाई, छी इन सबको वापस अंदर भेजो। अरे तूने मार दिया यार, चल बाघा फटाफट से इसको पैक कर दे। अच्छा इस पे तू एक घर बनाएगा, क्या मस्त आइडिया लगाया तूने यार बाघा। यार अगर इसका भी आपको समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ, अगर हम ये बंकर के ऊपर घर बना देंगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक बंकर है। तो ठीक है फिर फटफट बनाते हैं, लड़ाई लड़ाई मत खेलो इधर, चल काम पे ध्यान दे। फिर इसके बाद गाइस बाघा और मैंने मिलके यहाँ पर एक छोटा सा घर बना दिया। क्या बात है बागा, बहुत ही मस्त घर बना दिया अपन ने तो यार, ये तो अपने वाले से भी अच्छा लग रहा है यार, मुझे मालूम नहीं था तो इतना मस्त आर्किटेक्चर है। अरे यार ओए भाई चल, हो गया ना यार, मैंने ऐसी मजे में मतलब की मारा था, मेरे पीछे मत पड़ जा यार, पागल हो जाता है ये आदमी, बंद कर दो इसको। ये देखो गाइस हमने ना अंदर भी कितना मस्त इंटीरियर बनाया है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर एक छोटा सा संडास भी दिया हुआ है। चलो कोई ना, ये सब अपने काम की चीज नहीं है। बेसिकली गाइस हमने यहाँ पर घर इसलिए बना दिया है ताकि किसी को शक ना हो कि इसके नीचे बंकर है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि बंकर कहाँ है, तो देखो ये डस्टबिन के नीचे है, यहाँ है बंकर। अरे यार डस्टबिन की तोड़ दिया तूने बागा, देखो गाइस ये रहा वो बंकर का गेट, चल वापस लगा दे यहाँ पर। अरे ये तो चले गया पागल, चलो बंद कर दो इसको। तो ठीक है गाइस अभी अपने को बस पैबलो भाई का वेट करना है, वो आ जाए तो फिर उनको अच्छे से अपन पूरा बंकर दिखा देंगे। गाइस में बहुत मजा आने वाला है। यार ये पैबलो अभी तक आया क्यों नहीं, उसको मैंने लोकेशन भी दे दी थी, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। एक सेकेंड, वहाँ से कौन आ रहा है? ए पैबलो भाई तुम, और क्या कर रहे हो घोड़े पे? मैक्स कहाँ है, मैक्स नहीं आया क्या? मैक्स को मारो गोली, मेरे को बस बंकर दिखाओ। यस यस पैबलो भाई फटफट आ जाइए। ओए ये बेकार से घर में क्या पर लेके आया है, बंकर दिखा मेरे को। अरे ये देखो यहाँ पर ही नीचे बंकर, ये देखो यहाँ पर इसके नीचे, ये मेरा नौकर है, इसने ही पूरा बंकर बनाया है, इस पूरे बंकर के पीछे इसका दिमाग है। अब मैं आपको बता दूं कि बंकर के अंदर कैसे जाना है। देखो यहाँ पर ना ये फ्रिज के नीचे ना हमने एक मशीन लगा रखी है जिसके अंदर हमको कोड डालना पड़ेगा 69420, और फट से ये गेट खुल जाएगा। ये देखा, ओ ये क्या बवासीर है? बवासीर नहीं है सर, ये हमारा बंकर का स्टाइल है। ये देखिए सर, यहाँ पर नीचे आते से ही ना यहाँ पर आपको दरवाजा मिलेगा, और हमने यहाँ पर कैमरा भी लगा रखा है। और ये जो दरवाजा है ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला दरवाजा है, सिर्फ ये वाले कार्ड से खुलता है, इसको पर कार्ड को डालो तभी खुलेगा, वरना इसको आप खोल नहीं सकते। ये देखिए सर, यहाँ पर हमने एको गेट लगा रखा है सिक्योरिटी के लिए, इसको भी इससे ही खुलते हैं। तो ये लीजिए, ये की आपकी काम आएगी। ये क्या है? ये बेसिकली आर्मर से, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसको पहन सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मिलिट्री वाले यहाँ तक पहुँचने वाले बिल्कुल भी। अरे सर जोकर लग रहे हो सर, चलो कोई ना फटफट इधर आओ बागा, आगे का दिखा, फटफट वाला गेट खोल। ये वाला गेट भी सर बहुत ही खतरनाक है, इतना खतरनाक है इसको कोई खोल ही नहीं सकता। बेसमेंट, क्या बात है, अरे यहाँ पे गाय भैंस क्या कर रही है, मारो इनको मारो। सर वहाँ पर टाइम पास मत करिए, फटाफट आके इधर देखिए, हमें बंकर दिखाना है आपको, फिर हमको भी हमारा काम करना है सर। और ये मांस उतारिए, बहुत ही भद्दे लग रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए सर, इधर आइए, यहाँ पर हमने यहाँ पर किचन बना रखा है, और साथ में डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा रखी है ताकि आप आराम से यहाँ पर ऐश करके खाना पीना कर सकें।
है ना बढ़िया। क्या बात है। और आप टेंशन मत लीजिए सर, यहाँ पर ना खाने बनाने वाले भी एक से एक शेफ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पैसा इतना फेंका है ना। और यहाँ आइए सर, यहाँ पर सर खाने के बाद सर आपको पोटी लगेगी ना, तो आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं आराम से। अबे भागे, इनके सामने के नारा है, बाहर निकल, इज्जत की वाट लगा रहे तू पागल। ओके सर, यहाँ का टूर हो गया है। यहाँ पर भी सर वही है सर, किचन वगैरह हमने बना दिया है एक और एक्स्ट्रा, कभी आपको जरूरत पड़ी तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपके साथ वर्कर्स भी रहेंगे तो उनके लिए हमने बना दिया है। चलिए सर फटफट आ गया जाइए, अब यहाँ का पूरा टूर हो गया है। अरे यार ये बाघा ने हर जगह गाय सुअर कर दिए यार, छी इनको फटफट हटा यहाँ से बाघा। देखिए सर यहाँ पर हमने कितने सारे कैमरा लगा दिए, चप्पे चप्पे पर कैमरा लगे हुए। और यहाँ पर आती से आपको दो लिफ्ट मिलेगी, जहाँ आप खड़े सर उसके नीचे ही है, यहाँ पर खड़े रहिए बस। मस्त लिफ्ट है ना सर, कमाल की। ये देखिए सर यहाँ पर चेस्ट हमने लगा दिए हैं, और इन चेस्ट में भर भर के बंदूकें और आर्मर रखे हुए। ठीक है सर, चलिए ऊपर चलते हैं। Hey, what is this man? ये लिफ्ट है क्या? Yes, सर यहाँ पर भी एक और लिफ्ट बनाया हमने, और यहाँ से नीचे जाने पर आपको एक और बंकर मिलेगा। Oh my God! ये सब तुमने क्या बनाया है? सर बेसिकली सर हमने यहाँ पर आपके लिए ऑफिस बनाया है। मुझे मालूम है कि सर आपका बहुत ही बड़ा बिजनेस है, तो यहाँ पर आराम से बैठ के आप अपना बिजनेस का पूरा काम कर सकते हैं। लैपटॉप वगैरह सब लगा दिया, तो आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बात है सर। यहाँ पर हमने आपके लिए ना खाने पीने का पूरा इंतजाम कर दिया है। यहाँ पर लिटरली 2 साल का खाना है, आप आराम से यहाँ पर खा पी के मस्त ऐश कर सकते हो। अगर नॉनवेज खाना है तो यहाँ पर हमने सारे के सारे एनिमल्स रख दिए हैं, और कभी बाई चांस वेज खाने का मन हो तो ये देखो गाजर मूली हर टाइप की खेती हमने यहाँ पर कर दी है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं सर। ठीक है सर, यहाँ तो अपना सेकंड फ्लोर था और यहाँ पर आपका ऑफिस होने वाला है, लेकिन अब अपन चलते हैं अपने थर्ड फ्लोर पर। यहाँ पे क्या बना? चलिए सर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। हमारे बाघा ने बहुत ही खतरनाक दिमाग लगा के पूरा बंकर बनाया है। तो देखिए सर, सबसे पहले यहाँ पर अपने को कोट डालना पड़ेगा एक 420, एंड अंदर एंटर होती से आप देख सकते हो सर यहाँ पर आपका बेडरूम होने वाला है। अरे सर आप कहाँ सो गए, दीवार के अंदर घुस गए सर? एंड सर मैं आपको बता दूं, ये बंकर की सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंटर होने के लिए ना कोड चाहिए, कोड के बाद ही यहाँ पर कोई भी एंटर हो सकता है। और ये जो दरवाजे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अंबुजा सीमेंट के बने हुए, एंड साथ में हमने यहाँ पर एक और प्रोटेक्शन दी है। ये देखो आपको ये लीवर दिख रहा है, बस आपको इसको खींचना है, एक ये लीवर और एक ये लीवर, देन ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा सर। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके पीछे इतना बड़ा कमरा है। नाइस वर्क कैरी, नाइस वर्क। साथ में यहाँ पर बाथरूम भी है, तो आप आराम से यहाँ पर चिल मार के रह सकते हो। क्या बात है, भगवान ने भी क्या चीज। हाँ सही बात है, भगवान ने बहुत ही खतरनाक नमूना बना दिया सर। ऐसे भी कुछ कुछ कमरे हमने बना दिए हैं, यहाँ पर आपके वर्कर्स रहेंगे। ठीक है, बाकी बंकर तो बहुत तगड़ा बना है। थैंक यू सर। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर, अभी भी आपको और चीजें दिखानी है। अरे यहाँ पे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं यार, वैसे तो मैं ये 2 साल में बोर हो जाऊंगा। सर वो चीज का भी हमने बंदोबस्त कर रखा है, मुझे मालूम है सर आप बहुत ही रंगीन मिजाज के हैं, इसलिए सर आप यहाँ देख ही सकते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ओ माय गॉड बार। यस सर, चलते हैं सीधा अपन बार की तरफ। सर ये देखिए, यहाँ पर खत्म होने के बाद यहाँ से आप जा सकते हैं बार में, ये भी हमने बहुत ही छुपा के बनाया है ताकि यहाँ तक कोई पहुँच नहीं सके। ओ गर्ल सच अ ब्यूटीफुल। हमने सब चीजों को बंदोबस्त कर रखा है, सब चीजें आपकी चॉइस के हिसाब से हैं। ये हमने रशिया से मंगवाया है स्पेशली आपके लिए। क्या बात है, रशियन माल मेरे को बहुत पसंद है। सर बस हो गया सर, आप तो यहाँ बिजी हो गए एकदम से यार। सर ये आपको यहाँ पर फुल एंटरटेन करेंगे, साथ में आपको खाना वगैरह जो भी बना के देंगी, एंड साथ में सर यहाँ पर दारू वारू को भी पूरा इंतजाम है मस्त एकदम। चलो चलो ठीक है, अब एक फाइनल चीज मेरे को आपको दिखानी है, एक बहुत ही फाइनल चीज जो इस बंकर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सर मैं आपको दिखा देता हूँ, सर यहाँ आ जाइए। सर आपको ये दिख रहा है, ये देखिए सर ये है बंकर की सबसे मेन चीज। यो व्हाट इज दिस? ये है इस बंकर का पावर सप्लाई, जो इस बंकर को पावर देता है। अगर ये खराब हुआ ना सर तो आपकी जान भी खतरे में आ सकती है, तो इसलिए आप ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारी बिजली प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना है। एंड सर एक और चीज, आपको ये बटन दिख रहा है? तो दबा दिया। सर नहीं दबाना था। ओए ये क्या है? क्योंकि बटन को जो भी दबाता है उस पर बिजली गिरती है। ओ भाई साहब ये क्या बवासीर है, भागो यहाँ से। क्या सर इतने में डर गए? छी। तो सर ये हो गया हमारा बंकर का टूर, आप बताइए इसको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मैं तो इसको 10 में से 10 रेटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह मुझे भागो को कॉन्ग्रेचुलेशन करना पड़ेगा, उसके बंकर को सर ने 10 में से 10 रेटिंग दी है, कमाल की बात है। क्या बात है, क्या बंकर बना है, एकदम ओपी कैरी। आपका बंकर बिक चुका है सर, आप तो बस अब पैसे तैयार रखिए। ठीक है, जस्ट देन। ओ कैरी मैं टीवी न्यूज में आ रहा हूँ। क्या बात करूँ, सही में देखना पड़ेगा यार। तो गाइस पैब्लो एस्कोबार पिछले 3 महीने से फरार है, अब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका है। इसके पीछे 11 नहीं बल्कि 50 मुल्कों की पुलिस पड़ी है, क्योंकि ये बहुत लोगों का पैसा लेके फरार है, अराउंड $50 मिलियन। अगर इसके बारे में आपको पता लगे तो फटाफट इस नंबर पे कॉल करें, बताने वाले को पूरे के पूरे $1 मिलियन रुपीस मिलेंगे। ओए सुन, मेरे पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। यार पेब्लो तेरे पीछे पुलिस पड़ेगी से, तूने इतना बड़ा घपला जो करा है। और पेब्लो भाई खाने में क्या खाओगे आज? खाने में खाऊंगा मुर्गा। अरे ये क्या बजा? पेब्लो भाई लगता कोई अपने घर के बाहर है, मुझे कैमरे में चेक करना पड़ेगा, फटाफट चेक करता हूँ। क्या बोल रहा है? गोलियों की आवाज आ रही है, क्या हो रहा है? शीट क्या हुआ? अपने घर को चारों तरफ से मिलिट्री वालों ने घेर लिया है, इनको हमारी लोकेशन के बारे में कैसे मालूम पड़ा? शीट पैब्लो क्या करें? ओ शीट
एक बंदे के पास तो रॉकेट लॉन्चर है यार, ये कहीं अपना बेस नहीं उड़ा दे। पैब्लो बोल बोल, मिलिट्री वालों को अपना पता किसने दिया? पता नहीं मैन। शीट, अपने को यहाँ से भागना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं रुक सकते अपन, जल्दी भागो। चल भाग मिल्का भाग। पैब्लो यार, तेरे वजह से मैं भी फंस जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस वाले तेरे पीछे इतने खतरनाक हाथ धोके पड़े हुए। मैं हुई ऐसा। पैब्लो जल्दी आओ अंदर, जल्दी यहाँ पर दुबके बैठ जाओ, सब कुछ बंद कर दो, यहाँ अपने को वो पकड़ नहीं पाएंगे, अपन यहाँ बिल्कुल सेफ है। रुक जाओ, मैं अपने कैमरे में देखता हूँ कि अभी वो कहाँ पहुँचे। सर ये देखो, इधर एक कुत्ता अंदर है, आ जाओ जल्दी। सर 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 रुको रुको, यहाँ पे देखो एक दरवाजा है। तोड़ो यार पैब्लो, मिलिट्री वाले अंदर आ चुके हैं, अपने को से बाहर निकलना पड़ेगा, जल्दी भागते। भागो भागो जल्दी से भागो भागो, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे चलना पड़ेगा जहाँ पर स्विमिंग पूल था। चल चल फटफट यहाँ पर बाहर में चलते हैं, हम बच जाएंगे। अरे हाँ बच जाएंगे। ओ शिट, मिलिट्री वाले उधर ही थे। ओ भाई बाहर बचे अपन, उन्होंने हमको देखा नहीं। अरे जल्दी आ, जा रहे जा रहे जा रहे, तो मेरे को मरवा देगा। हट, मुझे लिफ्ट को ऊपर भेजने दे वापस से, ताकि किसी को मालूम नहीं पड़े। ओए ये कौन सा सुंदरी है? अरे यार सुंदर के पीछे मत पड़, यहाँ पर मेरी फटी पड़ी होती है, यहाँ पर मस्ती सूझ रही है। छी, अरे चल चल, अरे सुंदर है मस्त है। मुझे लगता है पैब्लो अपन शायद अब सेफ है। शिट, पैब्लो एस्कोबार नहीं मिला, ये हमारी नाकामी है, हमें सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मेजर, हाँ हाँ मेजर, हमको पैब्लो एस्कोबार नहीं मिला, हमने इस बेस का पूरा छप्पा छप्पा छान लिया लेकिन हमको नहीं मिला, हमने हर कोने में देख लिया है, अब क्या करें बताइए। उड़ा दो बेस को। थैंक्स कैरी, मेरे को मिलिट्री वाले से बचाने के लिए। हाँ मुझे मालूम था कि ऐसे कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने बागा को पहले ही बोलकर एक सीक्रेट बंकर बनवा लिया था। तुम्हारे दिमाग का जवाब ही नहीं, कभी मैं बागा से बोलकर वो सीक्रेट बंकर नहीं बनवाता ना, तो हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। देख रहे हो मिलिट्री वालों ने क्या हालत कर दी है, अपना पूरा का पूरा बंकर उड़ा दिया है। ग्रेट वर्क, थैंक यू यार कैरी। चल चल पैब्लो, ये अब थैंक यू वैंक यू से काम नहीं चलेगा, अपनी जो डील थी उसके मुताबिक तुझे $50 million अभी के अभी मेरे अकाउंट में डालने होंगे। वेट, मैं मेरे असिस्टेंट को कॉल करता हूँ। असिस्टेंट जल्दी से कैरी के अकाउंट में $80 million सेंड करो। 80 million क्यों, अभी तो 50 मिलियन की बात हुई थी ना। अरे 30 मिलियन की टिप ले लो। चलो ठीक है, तुम इतना दयावान बनी रहे हो तो एक काम करो, अपना जो ये चश्मा है ना वो भी दे देना। ठीक है? अच्छा ठीक है ले लो, ऐसे गरीबों को दान करते रहता हो। गरीब तुम होगे, मैं नहीं। एक सेकंड, ये आवाज का क्या आ रही है? ओ शिट, मिलिट्री वाले यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इनको हमारी लोकेशन कैसे पता चली? यार मुझे भी नहीं मालूम, अब क्या करें, अब तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे ऐसे तो। फिर पाब्लो, यू आर अंडर अरेस्ट, अपने आप को हमारे हवाले कर दो जल्दी। और व्हाइट शर्ट तुम भी। सर सर नहीं यार, पैब्लो तेरे वजह से मैं भी फंस चुका हूँ सर, मेरी गलती नहीं है सर, ये पैब्लो ने सर मुझे किडनैप कर लिया था, सही बोल रहा हूँ सर। सर उसको पकड़ लो सर। तुम क्या कर रहे हो कैरी, गद्दारी कर बे? कोई गद्दारी नहीं, तुमने मुझे किडनैप किया था मैं जानता हूँ, प्लीज। अरे तू दगाबाजी कर ले भाई, ये बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। थैंक यू कैरी बेटा, तूने लोकेशन देने के लिए। ए पैब्लो चल जेल में चल, अभी तेरे को चक्की पिसाता हूँ, चल। ओ कैरी तुमने मेरे साथ गलत किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया पैब्लो, तुमने मुझे किडनैप किया था मैं जानता हूँ। मिलिट्री सर इसको कड़ी से कड़ी सजा देना। एंड मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, इसकी लोकेशन भी आपको मैंने ही बताई थी। ओह यस, थैंक यू। तो प्लीज मेरा $1 million का इनाम भी तैयार रखना। यस ऑब्वियसली दूंगा ना, अभी ना जल्दी चले जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी गोली से उड़ा दूंगा, समझा ना। नहीं सर, नहीं सर, जा रहा हूँ। एंड गाइस फिर ऐसे करके मैंने $90 million रुपए कमा लिए और साथ में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भी पकड़ा दिया। देखा मेरा 1000 IQ वाला दिमाग? तो गाइस इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब मार दो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।